फैशन की दुनिया में रिया तिर्की का नाम किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन एक नई अदाकारा, एक नई चेहरा, एक नई मॉडल हमारे साथ मौजूद हैं, एंजल नेहा तिर्की, है मैं राइट? एंजल मेरीना, मेरीना तिर्की। अच्छा ये बताए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? जी सबसे पहले तो सबका जोहार, मेरा नाम एंजल मेरीना तिर्की है। मैंने 10 सालों के बाद इंडिया को क्राउन दिलाया है मिस यूनाइटेड नेशंस 2022 में, और मैं मिनिस्टर सर से बात करने के लिए आई थी, मैं उनसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी है कि आगे मैं और भी अच्छा करूँ इस फील्ड में, फैशन के इंडस्ट्री में एक ऐसा कुछ मैं करके दिखाऊँ यहाँ पर, अपने झारखंड को एक लेवल पर पहुँचाऊँ। जैसे अभी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसी तरीके से मैं और भी दूसरी लड़कियों को इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि वो भी आगे चल करके झारखंड के नाम को रोशन करें और इंडिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करें। इससे पहले क्या इस प्लेटफॉर्म पर झारखंड के बच्चे नहीं गा पाई? जी नहीं, अभी ये मैं सबसे पहली मैं आदिवासी गर्ल हूँ जो मैं वहाँ पर गई हूँ और मैंने इंडिया को क्राउन दिलाया है। पहले भी गई हैं बट वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मुश्किलों के सामना करते हुए मैं वहाँ पे गई, और कड़ी मेहनतों के बाद 7 दिनों की कंपटीशन होती है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, 30 देशों की वहाँ पे सारी गर्ल्स आई थी, और जमैका, USA, अमेरिका, और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी और गर्व की बात है मेरे सारे मदरलैंड के लिए। रिया तिर्की ने भी झारखंड के लिए बहुत बेहतर काम किया और उनके भी नेम फेम आपने सुना होगा, आपको क्या लगा था जो दबे कुचले समाज से लोग हैं वो निकल रहे हैं, उसमें सरकार का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल हो सकता है? जी सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि रिया तिर्की टॉप 8 तक आई, उसने झारखंड को टॉप 8 तक रिप्रेजेंट किया है, और मैं ये देना चाहूँगी सारे लोगों को कि हमारे गवर्नमेंट के साइड से और भी एक ऐसा कुछ कमेटी बननी चाहिए जहाँ पे जितने भी लोग हैं जो छुपे हुए अपने शेल से बाहर आए और वो अपने टैलेंट को दिखाए, क्योंकि टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग अपने टैलेंट के दम पे कुछ भी कर सकते, कभी हार नहीं मानना है, ऑलवेज चलते रहना है। मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया, क्या उनका शब्द थे, उन्होंने क्या कुछ बोला? सर ने मुझे बोला है कि ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, आप जो भी करेंगे हम सारे लोग आपके साथ हैं, और इसी तरीके से हमारे भारत का गौरव को ऊंचा बढ़ाते रहिए। झारखंड के स्तर पर अपने कुछ है, कुछ और बेहतर करने की जरूरत है और बच्चियां सामने आ सके? जी मैं चाहती हूँ, मुझे मेरी पर्सनल है कि कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स लाए जाए जहाँ से सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, जितनी भी लड़कियाँ हैं जो गाँव से बिलोंग करती है, एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती है, ना सिर्फ आदिवासी बल्कि सारे कमिटीज़ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब हम सारे लोग एक स्टेज में जाते हैं तो हम झारखंड की बेटी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को मैं बाहर लाना चाहूँगी। लास्ट सवाल, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मेरी फ्यूचर प्लान है कि मैं अपने झारखंड के साइड से एक पहले एक्टर बनना चाहती हूँ, इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती हूँ, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने साइन किया है, साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे सोशल इश्यू में काम कर रही हूँ जैसे ऑटिज्म हो गए, चाइल्ड एम्पावरमेंट हो गए। बहरहाल आपने सुना किस तरह से रिया तिर्की के बाद एक और आदिवासी युवती जिन्होंने फैशन की दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है, उन्होंने इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उन्होंने बातें कही हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड के स्तर पर फैशन को और फैशन वर्ल्ड को तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां इस क्षेत्र में आगे आ सके। साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो भी कुछ किया है अपने बलबूते किया है, अपने टैलेंट के बलबूते किया है, लिहाजा अगर आप में क्षमता है, आप में कैपेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, अब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप आगे जा सकते हैं, उसके लिए बहुत संसाधन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन झारखंड के सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर ये जरूर कहा है कि और रिसोर्सेज डेवलप करने की जरूरत है ताकि फैशन की दुनिया में, फैशन के क्षेत्र में झारखंड की बेटियां अपना झंडा गाड़ सके। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।